मिसलिनियस एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल 28। एग्जाम्पल 28 कह रहा है कि सो दैट द सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल कैटरेक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर नीड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल, सो लेट एक्स बी द सेट ऑफ लेटर्स इन कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट में जो भी लेटर्स का ग्रुप है, तो x क्या हो जाएगा, इसमें c आ जाएगा, देन a t r, सिर्फ चार ही चीजें आएंगे, और स्पेल ट्रैक्ट लेट y b द सेट ऑफ लेटर्स इन ट्रैक्ट। सो y क्या आ जाएगा, तो इसमें t आ जाएगा, r a और c। क्लियरली x इज इक्वल्स टू y, हेंस टू। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्योंकि सेम सेट है। द ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर से तो कोई मतलब नहीं होता है कि इधर होना चाहिए कि उधर, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो बात मान ली जाती है कि नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 29 कहता है लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट्स। तो इसके कौन कौन से सबसेट्स हैं, माइनस वन, जीरो और वन, इसके सबसेट्स। तो सबसेट्स ऑफ अबव सेट, पहला तो फाइव होगा, बोलती जाओ, माइनस वन, फाइव एंड एक मिनट, फाइव माइनस वन का सेट और सेट जीरो, सेट वन, सेट माइनस वन कॉमा जीरो, सेट जीरो कॉमा वन, सेट माइनस वन कॉमा वन, सेट माइनस वन कॉमा जीरो कॉमा वन। कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, तो किसमें, इसके पावर सेट में, टू टू द पावर थ्री है ना, तो एट हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, अब जरा चेक करो, नाउ मिसलिनियस एक्सरसाइज पे आ जाइए। सो मिसलिनियस, कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, वो लास्ट में कराऊंगा। Decide among the following set which sets are subset of one and another. A और B दिया गया है, तो A में क्या element होंगे, A के लिए देखो x square minus 8x plus 12, तो x square minus 6x minus 2x plus 12 is equals to 0. So x minus 6 is equals to 0, so x क्या हो जाएगा, 2 comma 6 हो जाएगा, तो a क्या हो जाएगा, 2 comma 3 हो जाएगा। अच्छा b क्या है, 2 4 6, c क्या है,
टू फोर सिक्स एट ऐसे करके सारे इवन नंबर का सेट है, और डी क्या है, सिक्स, तो कौन किसका सबसेट है आप मुझे बताइए। बी का है। बी इज सबसेट ऑफ सी, ये सही बात है, इतने ही है। अच्छा ये बी सबसेट ऑफ सी, ये भी आपने बोल दिया। ओके नाउ अब देखें क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी सेट है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन तीनों का इंटरसेक्शन में कुछ ना हो। यानी जैसे ए है और ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, इनमें कुछ है, और फिर साथ में एक जो तीसरा सेट है सी, उसने भी लेकिन बीच में खाली है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों में हो। मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेट ले लो। थोड़ा आप चाहें तो और अच्छे से भी बना सकती हैं, हमने ठीक से नहीं बनाया है तो ऐसे बना लें, क्योंकि सेट को दिखाने के लिए ज़रूरी है। मान लो एक बना लिया, फिर दूसरा बना लिया और फिर तीसरा बना लिया, ठीक है, तीन सेट बना लिए। तो ए बी सी वही चीज़ दिखा दो, 1 2 3 4 5 6, तो बीच में कुछ पड़ रहा है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ऐसी कोई चीज़ है जो ट्रिपल लेयर्ड है। नो सर, तो ए बी सी, तो ए क्या है बताओ, 1 2 6 है। यस सर, अच्छा बी 2 3 4 है, 4 3 4 4 और सी क्या है,5 6 तो क्या ए इंटरसेक्शन बी क्या है,2 बी इंटरसेक्शन सी क्या है, फोर और ए इंटरसेक्शन सी क्या है, सिक्स ऐसी कोई चीज है तीनों में जो कॉमन हो तीनों में, नौ सिक्स तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिस इज इक्वल टू 5। ये सभी नॉन एम्प्टी सेट हैं लेकिन इन तीनों का इंटरसेक्शन 5 है, इट इज शोन बाय एग्जाम्पल। वो कह रहा है कि एग्जाम्पल से शो करो। एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। नाउ इन ए सर्वे 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकन टी, 225 इज टेकिंग कॉफी, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर नाइदर टेकिंग टी और कॉफी। जो ना तो टी लेते हैं ना कॉफी लेते हैं, इसका मतलब है कि ये यूनिवर्सल सेट है। एक हॉस्टल के 600 बच्चे हैं तो 600 बच्चे में इस चीज़ की सर्वे किया गया, डेटा कलेक्ट किया कि किसे कौन क्या लेता है, तो ऐसे भी बच्चे उसमें मिल गए जो टी लेते हैं, दैट इज 150 स्टूडेंट्स, और 225, और ऐसे भी हैं जो दोनों लेते हैं, 150 दैट इज 100 स्टूडेंट्स ऐसे पाए गए जो दोनों लेते हैं। तो अब पूछा जा रहा है कि वो बताओ कि जो टी यूनियन सी के अलावा हो, विचार ना, ये है कि टेकिंग आइदर टी और कॉफ़ी, और ये क्या है टेकिंग नाइदर टी और कॉफ़ी, यूनियन को छोड़ दो वेन डायग्राम में, तो जो बचा वो कौन है, ऐसा एक सवाल आ चुका है पहले। ये तो यूनियन हो गए कि टी यूनियन सी, और इसके अलावा जो है बाहर वाले वो कौन है, वो क्या लेते हैं, चाय की कॉफी,
बताओ। हाँ कॉफी। ये टी वाले हैं, ये कॉफी वाले हैं, और ये हैं नाइदर टी नॉर कॉफी, ऐसे हैं। अच्छा, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो हमें नंबर चाहिए टी यूनियन सी डैश, दैट इज एम यू माइनस एन टी यूनियन सी। ऐसा फार्मूला हमने देखा है ना कॉम्प्लीमेंट का, जब कॉम्प्लीमेंट लगता है तो यूनिवर्सल सेट में से सबट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो दिस एम यू माइनस, इसे लिखो एन टी माइनस एन। अच्छा, इसकी वैल्यू 600 है, जबकि ये 225 है और ये ये कितना है, 150 है। दिस इज 150। चाय वाले 150 बच्चे हैं, तो 150 लिख दीजिए, और माइनस 100। सो दिस इज 600 माइनस 375 माइनस 100। तो 600 माइनस 275, सो इसलिए ये 325, 325 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं लेते हैं, आर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, ऐसा है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 14। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। तो 100 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी जानते हैं और 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं, और 25 ऐसे हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ जानते हैं। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन देयर ग्रुप। तो टोटल ग्रुप में कितने लोग हैं, वो पूछ रहा है कि या तो हिंदी जानते हो या इंग्लिश जानते हो या दोनों जानते हो, तो वो ग्रुप में कितने लोग हैं। सो नंबर ऑफ पीपल्स इन ग्रुप इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीपल्स हु आर नोइंग हिंदी यूनियन इंग्लिश, दैट इज इक्वल्स टू एन एच माइनस एन, ऐसा कर लो। तो दिस इज 100 प्लस 50 माइनस 25, सो दिस इज 150 माइनस 25। तो ये कितना हो गया, बोलो, बात समझ में आई। सो देयर आर 125 पर्सन्स इन द ग्रुप, तो उस समूह में इतने व्यक्ति हैं, देयर आर 125 पर्संस, स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स लिख देना, इन ग्रुप 15। कहा जा रहा है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड हिंदू न्यूज़पेपर, द हिंदू पढ़ते हैं या हिंदुस्तान टाइम्स। सो नंबर ऑफ पर्सन हु रीड हिंदुस्तान टाइम्स इज 25। इसके अलावा 26 रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड इसके अलावा 26 रीड इंडियन एक्सप्रेस, एंड 9 रीड बोथ एच एंड टी, वो हिंदी भी पढ़ते हैं हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस ऐसे भी हैं। 11 रीड बोथ एच टी हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, जबकि 8 रीड्स बोथ टी टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे 8 हैं। अब देखो 3 रीड्स ऑल द 3 न्यूज़पेपर, जो तीनों ही पेपर मंगाते होंगे वो बहुत पैसे वाले होंगे, ऐसे 3 लोग हैं। सो द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक तो कोई पढ़ता हो, तो ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो कम से कम तो एक पढ़े।
आइदर एच आइदर और टी और ये, तो ये सारे लोग हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसके बाहर वालों के पास पैसा नहीं है न्यूज़पेपर मंगाने का। सो दीज आर द पर्संस हु रीड आइदर ऑफ द न्यूज़पेपर। सो द नंबर ऑफ पर्सन रीड आइदर ऑफ न्यूज़पेपर इट इज इक्वल्स टू एन एच यूनियन टी यूनियन आई, दैट इज इक्वल्स टू एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई और प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 और इसके अलावा प्लस 3। बोलो बात सही है, फार्मूला समझ में आया? यस सर। तो 25 यहाँ 75 तो 77 माइनस इन सब को जोड़ो 28 और प्लस 3 सो इट इज 80 में से 28 घटा दो कितना आ जाएगा 52। ये तो पहले पार्ट का आंसर हुआ। अब वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ता हो तो उनका पता लगाओ। सेकंड पार्ट। सो अब देखिए सेकंड पार्ट में यहां ऐसे बनाओ, अच्छा ये एच वाले हैं, ये कौन से हैं टी वाले और ये आई वाले, थ्री न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं। एच और टी का इंटरसेक्शन कितना है 9 है। ठीक है तो बताओ ये 6 हुआ, जोड़ के 9 आना चाहिए ना। एच और आई का कितना है, एच और आई का 9 है ना, एच और आई है 9। तो ये 6 हुआ। एच और टी का कितना है 11। तो यहां क्या लिखें, बताइए। हाँ ये सही है। अच्छा टी और आई का कितना है 8 है, तो यहाँ क्या लिख दें 5। अच्छा एन एच कितना है बताइए, 25। तो ये 8 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 5 है, तो 8 प्लस 3 11 प्लस 6 कितना हुआ 17। 11 में से मतलब 8 प्लस 3 11 में 6 17 हुआ और 17 है तो इधर कितना हो जाएगा 8 और n t कितना है 26 सो इट इज 26। तो अब ये 8 प्लस 3 11 16 हुआ तो 10 हुआ, जोड़ के देख लो 26 आ रहा है। एन आई देख लो 26 है तो 6 3 9 5 14 14 है तो ये कितना आ जाएगा 12। कितने लोग हैं जो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सिर्फ एक। यस देखो ये तो हमने आपको तरीका बताया है सो लेकिन ऐसे करना नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पर्संस रीडिंग एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर इज इक्वल टू 8 प्लस 10 और प्लस 12 सो 30। करना कैसे वो भी बता रहे हैं,
ये तो आंसर निकालने का तरीका है। तो अब यहां पर इसको ऐसे बना लो, यहां तो 3 लिख लो क्योंकि इंटरसेक्शन तीनों का दिया है, एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई दैट इज इक्वल टू 3। अब इसे लिखो ए बी सी डी ई एफ। अच्छा यहाँ लिखिए एच टी आई, एच टी का इंटरसेक्शन क्या है? एच और टी का 11 है, उसके आगे लिखो ए प्लस 3। उसके आगे क्या लिख दोगे? ए प्लस। अच्छा तो इससे ए क्या निकल आएगा बताओ? 8, 8 लिख लीजिए। अब टी इंटरसेक्शन आई को देखो, टी इंटरसेक्शन आई को 3 प्लस सी लिखो, सो इट इज 3 प्लस सी, तो सी क्या निकल जाएगा? और इसी तरीके से एच इंटरसेक्शन आई को बी प्लस 3 लिखो, बी प्लस 3, तो बी क्या निकल आएगा? अच्छा ये बात हो गई। अब इसी तरीके से हमें वी हैव टू फाइंड डी प्लस ई प्लस एफ, सो नंबर ऑफ पर्सन एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पर्सन डी प्लस ई प्लस एफ। नंबर नहीं लिखना है, बस डी प्लस लिख दें, जो डी और इन सब की वैल्यू आ जाएगी वही आ जाएगी। अब देखो ये हमें पता करना है, यही पता करना है। अब जरा देखो एन एच की जगह क्या लिखोगी? 25 है, सो एन एच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस डी प्लस 3, ए प्लस बी प्लस 3 प्लस डी, जबकि एन एच 25 है और ए बी सी की वैल्यू अब ऊपर से डाल दो, ऊपर से जो वैल्यू है डालो, ए की वैल्यू 8 डालो, बी की वैल्यू 6 डालो, तो ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 6, फिर ये 3 और प्लस डी, डी निकाल लो यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा? 9 और 8 कितना होता है? 17, तो 25 माइनस 17 ये डी आ गया, डी 8 आ गया। ऐसे ही एन टी की वैल्यू क्या है? ए प्लस 3 प्लस सी प्लस ई, यहाँ से देख लो ए प्लस 3 प्लस सी प्लस ई, लेकिन एन टी है क्या? और ए क्या है? 8। सी क्या है? सी हमने ऊपर 5 निकाला है, तो अब यहाँ देखो 8 5 13, 13 3 16, 16, तो 26 माइनस 16 हो गया ई, तो ई कितना हो गया? 10, 10 आया था यहाँ। अब देखिए एन आई क्या है, यहाँ से देखो आई, तो बी प्लस 3 प्लस सी प्लस एफ, इसकी वैल्यू कितनी डाल दोगी? बी कितना है? 6 प्लस 3 प्लस सी कितना है? 5 प्लस एफ, एफ निकालना है तो 11 और 3 14, तो 26 में से 14 माइनस कर लें तो 12 आ गया। अब लिखो डी प्लस ई प्लस एफ इज 8 प्लस 10 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 30, सो 30 पीपल रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। बोलो प्रोसीजर समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th। 16th क्वेश्चन क्या कहता है? इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, 26 लाइक्ड प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक्ड प्रोडक्ट सी,
14 पीपल ए और बी को लाइक करते हैं, बोथ लिखना चाहिए, लिखा नहीं है लेकिन हम बोथ लेके चल रहे हैं क्योंकि बोथ से बोथ ही होगा, इससे नहीं तो यूनियन होता तो इससे बड़ा ना हो जाता। अच्छा 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, एंड भी लगाएं और नहीं लगाएं, एंड से पता चल जाता है इंटरसेक्शन है। सो एन सी इंटरसेक्शन ए 12 है, एन बी इंटरसेक्शन सी कितना है 18, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो कितने लोग सिर्फ सी को पसंद करते हैं? अच्छा देखो उसी तरीके का प्रश्न बन रहा है, 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, तो ये कह रहा है एन सी ओनली। इसको करने के लिए भी आपको यही बनाना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है। तो तीनों प्रोडक्ट कितने लोग पसंद करते हैं? चलिए तीनों प्रोडक्ट में मैंने 8 लिख दिया, अब इसे लिखता हूं ए बी सी डी ई एफ। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? तो एन ए इंटरसेक्शन बी इट इज इक्वल टू बी प्लस 8, लेकिन ऊपर से देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 14 इज इक्वल टू बी प्लस 8, सो बी कितना हो जाएगा 6। एन बी इंटरसेक्शन सी क्या है, यहाँ से देखो 18, और बी सी यहाँ से क्या देख लो 8 प्लस सी, यहाँ से देखो तो 18, 8 प्लस सी, तो सी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखो इसी तरीके से एन ए इंटरसेक्शन सी कितना होगा, यहाँ से देखिए ए प्लस 8 है जबकि इसकी वैल्यू कितनी है 12, सो 12 से आप पता कर लो कि ए इंटरसेक्शन सी 12 है, तो ए 4 हो गया। अच्छा अब हमें कुछ चीजें पता चल चुकी हैं, अब हम इसी से निकाल लें, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, ए और सी निकाल के रुक जाना चाहिए था, बी की तो भी जरूरत नहीं पड़ी थी, कोई बात नहीं। एन सी ओनली दैट इज इक्वल्स टू एफ, ये हमें पता करना है, लेकिन एन सी क्या है, ए प्लस 8 प्लस सी प्लस एफ, एफ निकालना है, यहां लिख लो एफ इज इक्वल्स टू 8। एन सी कितना दिया है 29, ए कितना आ गया 4, 8, सी कितना है 10, एफ की वैल्यू पता नहीं 22 आ गया, 29 में से 22 माइनस करो तो 7 आ गया। सो 7 पर्संस लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, 7 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सी को पसंद करते हैं, सो 7 persons liked product C only, समझ में आ गई बात? Yes, चलो अब हम लोग वापस miscellaneous पे आते हैं। Okay, it is example 30. एग्जाम्पल 30 क्या बता रहा है कि इफ सो दैट, हमें शो करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी। अगर यूनियन इंटरसेक्शन के बराबर हो जाए, जो यूनियन की वैल्यू है वही इंटरसेक्शन की हो जाए, तो फिर ए और बी एक ही सेट होंगे, तभी उनका जो इंटरसेक्शन आएगा वही यूनियन आएगा। तो जनरल में हमें शो करना है तो प्रूफ करना पड़ेगा, यही ए है और यही बी है, ये चीज हम प्रूफ करना चाहते हैं।
दैट वी वॉन्ट टू प्रूव, ये मार्जिन में है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अब देखो, सो लेट ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए, तो अब जरा देखो, तो इससे क्या पता चलता है कि क्या ए बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को भी? जो एक का हिस्सा होती है तो क्या वो यूनियन का हिस्सा हो जाती है? Yes, sir. अच्छा, तो क्या ए बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी को? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल है? इंटरसेक्शन। तो अब जब वो चीज इसके इक्वल है तो जो चीज इसको बिलोंग करेगी वो इसको भी कर जाएगी। बोलो। Yes, sir. और जो इंटरसेक्शन में होती है क्या वो दोनों सेट में होती है? ए में भी होगी और बी में भी होगी, तो ए को बी में भी होना चाहिए। बोलो। तो ए में था और बी में पाया गया। अगर कोई चीज कहीं होती है और वो दूसरे सेट में पाई जाए तो इसका मतलब ए इसका सबसेट हुआ कि नहीं, इसमें था और इसमें पाया गया, तो इससे क्या इंप्लाई होता है? ए इज सबसेट ऑफ बी, ये पहली क्वेश्चन। बोलो बात सही। अच्छा, लेट अब लो बी बिलोंग्स टू बी, बिल्कुल यही चीज लिखना, कुछ बदल के नहीं लिखना। अगली लाइन क्या लिखोगी? बी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन बी लिख दो। सही कह रही हो, ए यूनियन बी। फिर अगली लाइन बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, ऐसा क्यों? फिर क्या लिखोगी? बी बिलोंग्स टू ए, फिर क्या लिखोगी? बी में था ए में पाया गया, बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, ये सेकेंड इक्वेशन है। अच्छा, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, इससे क्या इंप्लाई होता है? A is equals to B. है कि नहीं, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू इक्वेशन से A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू B, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई? Yes, sir. चलो एग्जांपल 31, 31 देखते हैं। कह रहा है कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, फॉर ए एंड बी दो सेट्स हैं, तो पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये हमें शो करना है, शो दैट पावर सेट इट इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। यानी अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का पावर सेट निकालूं और ए और बी के अलग अलग पावर सेट निकालूं और उनका इंटरसेक्शन करूं तो कह रहा सेम आएगा। जरा चेक तो कर लें। मान लो हमारे पास ए दिया है, ये एग्जांपल है, अभी सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। अगर ए में 0, 1 है और बी में 0, 2 है, तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? 0. अच्छा, ए के पावर सेट्स बताओ। 0, 0, 1, 0, 1। बी के पावर सेट बताओ। 5, 0, 2। अच्छा, 2 है, सॉरी। ओके, अच्छा पी ए और पी बी का इंटरसेक्शन बताओ। आर एच एस, आर एच एस है कि नहीं?
पी ए इंटरसेक्शन पी बी कितना आ जाएगा? इन दोनों में देखो कौन कौन से, हाँ सेट जीरो, सेट जीरो, और कोई भी आएगा? नहीं। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी जीरो है तो बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? फाइव जीरो में भी ये लगेगा ब्रैकेट ऐसे आएगा। हाँ यहाँ बताओ ये जीरो है, बताओ इसके पावर सेट। जीरो आ गया ना इसका एलिमेंट, तो पहले तो फाइव तो होगा ही, तो क्या ये जो ये वैल्यू आई है और जो ये वैल्यू आई है वो सेम है? ये सेम है, तो ये बात यूनियन के लिए सत्य नहीं है। यूनियन में करने जाओगे तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरसेक्शन में ये बात सत्य पाई गई। ओके सो हम इंटरसेक्शन के लिए इसको प्रूव करेंगे कि ये बात सही है। सो सेवेंथ क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखो सेवेंथ क्वेश्चन निकालो मिसलिनियस का, उसमें इसको यूनियन के लिए पूछ रहा है, तो कह रहा है कि क्या ये सत्य है? तो ये सत्य नहीं होगा, हम दिखा देंगे आपको इसके बाद और फिर उसको एग्जाम्पल से प्रूफ कर देंगे। पहले हम इसका प्रूफ करते हैं फिर जाएंगे सेवेंथ क्वेश्चन में, क्योंकि वो भी पावर सेट का है बट वो यूनियन के लिए पूछ रहा है ना। अब इसका प्रूफ देखो, सो प्रूफ, मान लीजिए कि x एक एलिमेंट है, ठीक है, x belongs to P A intersection B, LHS में ले लिया हमने, A intersection B का वो एक सदस्य है। अच्छा तो क्या अगर x इसका सदस्य है तो x एक सबसेट होगा? जो चीज किसी पावर सेट की बिलोंग होती है वो जानती हो क्या होती है? वो अंदर वाली चीज का सबसेट होती है। बोलो जो पावर सेट में आएगी वो क्या चीज होगी? इट इज सबसेट। अच्छा अगर ये एक्स इसका सबसेट है, एक्स एक सेट है लेकिन ए और बी का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये है एक्स एक ऐसा सेट जो कि एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी तो बीच वाला ही हिस्सा है ना, और उसी का सबसेट है, तो बीच वाले हिस्से का सबसेट का मतलब क्या? इट इज वेल कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी। कोई चीज इंटरसेक्शन का हिस्सा है तो इसका क्या मतलब है? इंटरसेक्शन में वो वेल कंटेन्ड होनी चाहिए कि नहीं? अच्छा तो अब इसका क्या मतलब है कि x इज सबसेट ऑफ a, फिर वो a का भी सबसेट हुई, एंड x इज सबसेट ऑफ b, फिर b का भी, देख लो इसमें भी आ रहा है और उसमें भी आ रहा है। तो क्या x इट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a? चेक कर लो, कोई चीज किसी का सबसेट होती है तो उसके पावर सेट का एलिमेंट होती है, और x belongs to power set of B, और B का भी element होगी। भाई किसी का subset उसके power set का element नहीं होता, यही तो definition है। yes, चलो तो जब PA का भी element है PB का भी element है तो इसके power set में भी कोई चीज है। अभी पीछे दिखाया जो इसके power set में थी और उसके power set में थी, तो क्या वो उनके इंटरसेक्शन के पावर सेट में नहीं आई? फिर से देखो, जैसे पी ए में थी पी बी में थी, शुरुआत हमने यहां से की थी, तो पी ए इंटरसेक्शन पी बी करोगे तो उसमें भी आएगा जो इसमें है और इसमें है, है ना, जो सेट्स इसमें हैं और जो सेट्स इसमें हैं वो उनके इंटरसेक्शन में भी आ जाएंगे। तो इसलिए
ये पीए में भी है, कोई भी चीज कोई भी एलिमेंट ही ले लो, तो वो एलिमेंट इस सेट में, हम इसे पावर सेट ना माने, एक सेट सोचो, कोई कोई एलिमेंट किसी सेट में है और वही एलिमेंट दूसरे में भी है, तो वो उनके इंटरसेक्शन में क्यों नहीं होगा? सीधी सी बात, ये एक सेट है और ये भी एक सेट है, उसमें एक एलिमेंट है, तो इसलिए सीधी सी बात, अगर वन यहाँ पर भी है, ए में भी है और वन बी में भी है, तो दोनों में होगा। हमें क्या लेना देना पावर सेट से? जो चीज़ किसी सेट का बिलोंग करती है, दूसरे को बिलोंग करती है, तो उनके इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगी। सीधी बात है कि नहीं? ठीक अच्छा, कोई चीज़ इसकी एलिमेंट थी और इसकी पाई गई, इससे क्या समझ में आता है आपको? इसमें थी और इसकी पाई गई, बोलो। क्या ये सबसेट हुआ? इसमें थी और इसमें पाई गई, तो ये चीज सबसेट हो गई इसकी। अच्छा, अब ठीक, इसका उल्टा करेंगे, ये हमारी इक्वेशन बन गई। जैसे पिछला सवाल नहीं किया था, उसी तरीके का तो है ये। अब ये दिखा देंगे ये इसका सबसेट, अब दिखा देंगे ये इसका सबसेट, और जब दोनों एक दूसरे के सबसेट तो इक्वल। फिर से देखो, वाई, अब उल्टी बात कर रहे हैं, लेट करना चाहिए था यहाँ पर भी। वाई बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी, तो वाई बिलोंग कर रहा है पी ए इंटरसेक्शन पी बी, सो वाई बिलोंग्स टू पी ए। जो चीज दो सेट के इंटरसेक्शन में होती है, तो वो दोनों में अलग अलग भी होती है, दोनों दोनों का अलग अलग एलिमेंट होगी, किन्हीं दो सेट के इंटरसेक्शन में। जैसे मैं कह दूं कि टू बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो टू बिलोंग्स टू ए भी हो जाएगा और टू बिलोंग्स टू बी भी नहीं हो जाएगा, बोलो। ए इंटरसेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज लिख रहा हूं, एंड वाई बिलोंग्स टू पी बी। तो क्या वाई सबसेट हो गई पी ए की? बोलो, जो चीज किसी पावर सेट का एलिमेंट होती है, तो उसका सबसेट हो जाती है। सो वाई इज सबसेट ऑफ बी, वाई ए का भी सबसेट है, बी का सबसेट है, तो ये बिल्कुल यही हालत हो गई। तो वाई ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है, तो जरूर उनके इंटरसेक्शन में पड़ता होगा। सो वाई इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वाई जो है ए इंटरसेक्शन बी में पड़ता होगा, जब दोनों का सबसेट है तो बीच ही में पड़ेगा। तो फिर वाई क्या एलिमेंट हो जाएगा इनके पावर सेट का? इज इट? अच्छा, तो एक एलिमेंट इसमें था और इसमें पाया गया, तो इससे क्या इंगित होता है? बताइए। पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ यही चीज प्रूव हुई कि नहीं? सो अब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, पूरा फिर से लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इट इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी, बोलो। इतनी बात सही है, हैंस प्रूव हो गया। पूछना है तो फिर से समझा दे, नहीं तो आ गई तो बात अच्छी बात है। बताइए। चलो अब सेवेंथ क्वेश्चन पे आ जाओ। सेवेंथ क्वेश्चन भी यूनियन को लेके है, तो पी ए यूनियन पी बी, तो पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी इज फॉल्स, पहले फॉल्स लिख दो। अच्छा, अब देखो, मैं ए को 0 1 ले रहा हूँ, बिल्कुल वही चीज ले रहा हूँ जो पीछे ली है, और बी को 0 2 लेता हूँ, तो क्या मुझे आप ए यूनियन बी बताएंगी?
ए यूनियन बी क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही। इतनी बात समझ में आई? नाउ आई एम आई ऑडिबल? ओके बताओ ए हेलो यूनियन बी क्या हुआ? 012 012। तो इसका पावर सेट बनाओ। किस चीज को बना रहे हैं? फाइव हाँ, सेट 0 सेट 1 सेट 2 सेट 01 सेट 02 सेट 12 सेट 012। चलो ये बन गया। अच्छा, ए और बी दिया है तो ए और बी के भी पावर सेट बनाओ। पी ए क्या हुआ? फाइव सेट 0 सेट 1 सेट 01 पी बी क्या हुआ? फाइव सेट 0 सेट 2 सेट 02 इन दोनों का भी यूनियन करो। पी ए यूनियन पी बी, सारे एलिमेंट फाइव इनके जो भी आते हैं बता दो। हाँ, सेट 0 सेट 1 सेट 2 सेट 01 सेट 02 क्या दोनों सेम पाए गए कि नहीं? यस नो सर क्योंकि ये एलिमेंट तो है नहीं। सो फ्रॉम अबव पी ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन पी बी, उसके इक्वल नहीं है। सो अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो एग्जाम्पल से प्रूव किया जा सकता है, फॉल्स को तो एग्जाम्पल से प्रूव किया जाता है। स्टेटमेंट इज फॉल्स, और जो ट्रू है उसे जनरली करते हैं। जैसे मैंने ऊपर ट्रू था, वहाँ एग्जाम्पल से नहीं प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल अपने समझने के लिए है, प्रूव करना पड़ेगा इन जनरल। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि जर्मनी में सब जर्मन बोलते हैं, तो फिर एक ने बोला एक्सक्यूज मैम, वहाँ राम प्रसाद रहता है, वो तो जर्मन नहीं बोलता, उसे हिंदी आती है। मैम की बात गलत हो गई। अब देखो, एक पावर सेट का और क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन। लेट अस ऑल्सो सॉल्व इट। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट इज कि एज्यूम पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो पी ए पी बी के इक्वल है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ए इज इक्वल्स टू बी, इसे प्रूव करना है। सो लेट अस प्रूव इट नाउ। सिक्स्थ क्वेश्चन में हम ये मान लेते हैं कि एक सेट, एक कोई एलिमेंट है विच बिलोंग्स टू एक्स। लेट ऐसा कोई एक्स है, और ये एक्स क्या है? वेयर एक्स इज सबसेट ऑफ ए, एक्स ए का सबसेट है। तो अब सबसेट है तो उसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, तो उसका एक एलिमेंट लिया है। अब जरा देखिए, एक्स इज सबसेट ऑफ ए, तो इससे क्या पता चला कि क्या एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ए होगा क्या? यस सर अच्छा, और गिवन क्या है बताओ? पावर सेट ए इज इक्वल टू पावर सेट अच्छा, ये बात आपने सही कही। तो कोई चीज एक्स बिलोंग्स टू पी ए, और दोनों एक ही हैं। जब दो सेट इक्वल हो जाते हैं तो क्या एक के एलिमेंट दूसरे में रहते हैं? यस सर तो फिर एक्स बिलोंग्स टू पी बी हो जाएगा क्या? यस सर अगर कोई चीज
बी के पावर सेट का एलिमेंट है तो क्या वो बी का सबसेट रही होगी, तभी तो पावर सेट का एलिमेंट बनेगी भाई। अब देखो, दिस फर्दर इम्प्लाइज कि एक्स जो स्मॉल एक्स है वो बिलोंग्स टू बी हो गया। एक्स यानी आपने देखा कि ये जो एक्स है बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, और एक्स इसका सबसेट है। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर आपने क्या देखा कि सो एक्स बिलोंग्स टू ए ऑल्सो, क्योंकि अब ये एक सेट इसका सबसेट है तो इसके सभी एलिमेंट इसमें होंगे। कैपिटल एक्स इसका सबसेट है, ए का क्या है वो सबसेट, और सबसे उसमें एक एक्स है, तो अब वो हम ये कह रहे हैं एक्स इसका सबसेट है, तो जो चीज एक्स में हो गई तो क्या वो ए में नहीं हो गई? ओके तो ए में थी और बी में पाई गई, इससे क्या पता चलता है? सबसेट ऑफ ए अच्छा, ऐसा होता है क्या? जो चीज हमारी टेबल में है वो कमरे में पाई जाए तो कह दोगी कमरा सबसेट है टेबल का? अभी तक तो नहीं कहा ऐसा। सबसे ए इज सबसेट ऑफ बी, टेबल पे है और कमरे में पाई गई, तो टेबल उप समुच्चय हुआ ना दूसरे समुच्चय का। अब उल्टी बात करो कि फिर से लेट y बिलोंग्स टू y, अब b की बात कर रहा हूं और उसका सबसेट y और उसमें एक y एलिमेंट है, एंड ये लेट कर रहा हूं y इज सबसेट ऑफ b, तो यहां लिख दो कि y बिलोंग्स टू b भी होगा भाई, जो सबसेट के एलिमेंट है वो तो इसमें होंगे ही, देख लो b में नहीं होगा क्या? अच्छा, y बिलोंग्स टू बी के से क्या इंप्लाई हुआ? y हो इज इक्वल्स टू पी, y बिलोंग्स टू पी बी, ठीक है, जो गया। सेट का सबसेट है वो उसके पावर सेट का एलिमेंट होगा। अब देखो, तो क्या मैं लिख दूं y बिलोंग्स टू पी ए, ऐसा कोई प्रावधान है लिखने का कि नहीं है? ये क्योंकि जो पी बी है वो किसके इक्वल है, ये ये तो गिवन है ना। सो इससे क्या पता चला कि y बिलोंग्स टू पी ए, दैट इंप्लाइज y इज सबसेट ऑफ ए, और फिर उससे क्या पता चला कि y जब सबसेट है तो उसके हर एलिमेंट a के भी तो हिस्से होंगे, यस तो वाई बी में था ए में पाया गया, तो कौन किसका सबसेट? सो दिस इंप्लाइज बी इज सबसेट ऑफ ए, ये सेकेंड इक्वेशन है, और पहली इक्वेशन मैंने क्या बनाई थी, दैट इज ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट, बी ए का सबसेट, तो इससे क्या इंप्लाई होता है? इक्वल्स टू बी तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ए इज इक्वल टू बी, यही प्रूव करना था। ओके, अब जरा देखो कि लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। सिंपल सिंपल पहले कर ले रहे हैं जिससे कि चीजें सुलझी हुई रहे हैं, फिर हम उसको कर लेंगे, तो उसी बेसिस पे कर रहे हैं, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो, ठीक है। मिसलिनियस में तो सब मिक्स रहते हैं। ए बी सी आर द सेट्स, दिया गया है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी, ऐसे दिया गया, और एक और चीज दी है गिवन में कि ए इंटरसेक्शन बी इज ए इंटरसेक्शन सी, दोनों का यूनियन भी सेम है और दोनों का इंटरसेक्शन भी सेम है, तो दिखाना है बी इज इक्वल टू सी। देख लो, कई बार यूनियन सेम हो जाता है
ए यूनियन बी इज इक्वल टू, और कई बार इंटरसेक्शन भी सेम हो जाता है, ऐसे ऐसे अलग अलग केस हैं। जैसे ये देखो, ए है और ये दो सेट हैं, ये ए है ये बी है और ये सी है, क्या ए और बी का इंटरसेक्शन सेम है? ए इंटरसेक्शन बी जो है, क्या वही ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है? यस सर, देख लो, ए इंटरसेक्शन बी भी यही आएगा, और इट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, लेकिन यूनियन बराबर नहीं है। ए यूनियन बी में छोटी सी चीज आएगी और सी में करोगी तो बड़ा आ जाएगा, तो यूनियन भी बराबर हो जाते तो ये दोनों बी और सी इक्वल हो जाते। बोलो, बात पकड़ में आ गई? यस सर, तो वही चीज कह रहा है कि यूनियन भी बराबर हो तभी, देन ट्रू टू प्रूव बी इज इक्वल टू सी। ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर है। अब देखो कि नाउ वी हैव ए यूनियन बी। एक चीज ले लो, चाहे यूनियन ले लो, मैं पहला वाला ले ले रहा हूँ, समझ में आई बात आपको? जो पहला है वो ले ले रहा हूँ, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी। नाउ टेकिंग पोस्ट इंटरसेक्शन, अगर पहले इंटरसेक्शन लोगी तो प्री इंटरसेक्शन, और बाद में लोगी तो पोस्ट इंटरसेक्शन। टेकिंग पोस्ट इंटरसेक्शन ऑफ सी, दोनों में सी का इंटरसेक्शन लो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, यहां पे आ जाइए। नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसे क्या लिखा जा सकता है? दैट इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये लिखा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, फिर यूनियन और बी का सी के साथ इंटरसेक्शन। बोलो ठीक है। यस सर, अच्छा राइट वाली देखो, राइट में जो ए यूनियन बी है वो क्या है? ये पूरा हिस्सा है और सी क्या है? ये हिस्सा है। तो डब्ल्यू शेडेड रीजन क्या हो गया? यानी ए यूनियन बी क्या लिया मैंने? स्लीपिंग लाइंस। और सी किसे लिया? स्टैंडिंग लाइंस। और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ? डबली डबल शेडेड। शेडेड क्या वो डबली शेडेड रीजन सी ही है? रीजन। यस यानी पहली और दूसरी फैक्ट्री के मजदूर तथा दूसरी फैक्ट्री के मजदूरों का इंटरसेक्शन, उनमें कॉमन कौन हुए? दूसरी फैक्ट्री के ही होंगे, पहली के तो नहीं आ सकेंगे। बोलो, तो सर, क्या ये सी हो गया? यस सर, अच्छा, अब आगे बताओ, इस ए इंटरसेक्शन सी को क्या लिखा जा सकता है? ए इंटरसेक्शन सी को क्या लिखा जा सकता है? दैट कैन बी रिटन एज, ओके, या तो आप इसे ऐसे ही रहने दें, जहां तक है इतना ही छोड़ दो, बस एक हमारी इक्वेशन बन गई। इतनी बात तो समझ में आ गई ना? कुछ किया नहीं, पोस्ट कर दिया सिर्फ, पोस्ट इंटरसेक्शन, और इधर सी लिख दिया। सी तो समझ में आ गया ना? अब फिर से यही काम करो जो आपने किया है ना, टेक ए, फिर से वही लिखो जो अभी ऊपर लिखा था। देख लो, मैंने फिर से वही लिखा, आप मिला लो। टेकिंग पोस्ट इंटरसेक्शन ऑफ बी, टेकिंग पोस्ट इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, अब की वी का लिया है, एक बार वी का लो, एक बार सी का लो, और ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। कहीं आप ये तो नहीं समझ रही हैं कि ए यूनियन बी, दो फैक्ट्री के यूनियन के साथ बी का इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या आ जाएगा? सही समझ रही हैं? और उधर देखो, सो इट इज ए
इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी, बोलो सही। यस सर। अच्छा अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी को क्या ए इंटरसेक्शन सी लिखा जा सकता है? ऐसी कोई चीज कहीं दी गई है? यस सर। तो मैं क्यों ना इसे ए इंटरसेक्शन सी लिख दूं? अच्छा सी इंटरसेक्शन बी है और यहाँ बी इंटरसेक्शन सी है, क्या ये कम्यूट करते हैं? मैं इसे पलट के लिख सकता हूँ बी इंटरसेक्शन सी, तो मैं इसे फिर बी इंटरसेक्शन सी लिख लेता हूँ। अब मेरी ये चीज़ ठीक ठीक इसके इक्वल हो गई है जो यहाँ था, ये चीज़ सी के भी इक्वल है, ये चीज़ बी के भी इक्वल है बात कि नहीं? लेकिन यहाँ पर हमें दो चीज़ दिखानी पड़ेगी कि मैंने एक ए इंटरसेक्शन बी को ए इंटरसेक्शन सी लिया है और साथ में सी इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन सी लिया है बाई कम्यूटेटिव लॉ, ये तो गिवन है, और ये बाई कम्यूटेटिव लॉ। सो फ्रॉम वन एंड टू दोनों में देख लो बिल्कुल वही वही चीज़ है, आप मिला लो, इट इज सी एंड दिस इज बी, सो बी इज इक्वल्स टू सी हेंस प्रूफ। और वही चीज़ हमने एग्जाम्पल से भी तो प्रूव कर दी कि जब तक यूनियन नहीं बराबर होगा तब तक सिर्फ इंटरसेक्शन के बेसिस पे नहीं कहा जा सकता कि कोई दो चीज़ें इक्वल होंगी। बोलो बात क्लियर है? Yes, sir. तो आज की क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।